वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। वेरियस स्पेशलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स और फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, जैसे स्किन एप्लीकेशन के लिए ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, पेरेंटल इंजेक्शन के लिए नीडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम, ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सस्टेंड रिलीज कैप्सूल एंड एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स। सम अदर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे लाइपोसोम्स, माइक्रो पार्टिकल्स एंड नैनो पार्टिकल्स हैं। ये हाईली सिलेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो ड्रग को टारगेट साइट पर रिलीज करते हैं। फर्स्ट है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में मेडिकेटेड एडेसिव पेच होते हैं जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल रेट पे रिलीज करते हैं। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो ड्रग काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स को सिग्निफिकेंटली अल्टर कर देते हैं एंड ये ड्रग का ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करवाते हैं विथ मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है उसमें ड्रग है वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को बाईपास कर जाती है, इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से ड्रग के डिग्रेड होने के चांसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ और नेरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग के लिए यूजफुल सिस्टम है। साइड इफ़ेक्ट्स होने पर एडेसिव पेच को रिमूव किया जा सकता है। एनिमल्स में ट्रांसडर्मल पेचेस हैं वो प्राइमरली डॉग्स एंड कैट्स में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड है नीडल लेस इंजेक्शन सिस्टम और डर्मोजेट। नीडल लेस इंजेक्शन सिस्टम है वो सबक्यूटेनियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है जिसमें ड्रग सॉल्यूशन को गन लाइक डिवाइस में हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। बटन को प्रेस करने पर ड्रग है वो माइक्रोफाइन ओरिफिस के थ्रू हाई वेलोसिटी पे रिलीज होती है। रिलीज्ड लिक्विड है वो रैपिडली स्किन लेयर्स के थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू में एंटर करती है एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है। स्किन को जहाँ से लिक्विड पेनिट्रेट करते हैं वहाँ पर एक लार्ज कैरेक्टरिस्टिक एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को कंफर्म किया जाता है। नीडल लेस इंजेक्शन सिस्टम है वो पेनलेस एंड मास इनोकुलेशन के लिए सूटेबल मेथड है। नीडल लेस इंजेक्शन सिस्टम से एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, पेरेंटल ड्रग्स, वैक्सीन्स एंड स्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जिन एरियाज़ में ड्रग को प्रेशर से इंजेक्ट करने पर लीजन फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं जैसे ब्लड वेसल्स एंड आई बाल, उन एरियाज़ में ड्रग को नीडल लेस इंजेक्शन सिस्टम से एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लाइपोसोम्स और लिपिड बॉडीज। लाइपोसोम्स हैं ये माइन्यूट वेसिकल्स हैं जिसमें वन और मोर एनकैप्सुलेटेड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि वन और मोर देन वन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने होते हैं। लाइपोसोम्स हैं ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं एंड इन्हें पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस टारगेट साइट एंड एरियाज जो कि फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग के लिए नॉर्मली असेसेबल नहीं होते वहाँ पर लाइपोसोमल कैरियर सिस्टम लेकर जाता है। लाइपोसोम्स का जो कंपोजिशन है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में ड्रग डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स है वो लाइपोसोम्स को फेगोसाइटोस कर लेती है। लाइपोसोम्स है वो वैरायटी ऑफ ड्रग्स जैसे एंटी नियोप्लास्टिक्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एंड एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स जैसे ह्यूमन इंटरल्यूकिन 2 एंड एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स एंड जीन्स को स्पेसिफिक टारगेट साइट्स पर डिलीवर एंड इंटरनलाइज करने की कैपेसिटी होती है। लाइपोसोम्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल, नॉन टॉक्सिक एंड इम्यूनोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट है एरोसोल थेरेपी। ड्रग्स को एरोसोल्स के फॉर्म में डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसे हम एरोसोल थेरेपी बोलते हैं।
एरोसोल थेरेपी में ड्रग्स है वो लोकली एयरवेज में डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए एरोसोल थेरेपी है वो लोअर डोजेज पर रैपिड एक्शन प्रोवाइड करवाते हैं एंड साइड इफ़ेक्ट्स एंड सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के चांसेस को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। ड्रग्स जिनको कॉमनली एरोसोल थेरेपी से यूज़ किया जाता है उसमें है ब्रोंकियो डायलेटर्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेज जैसे अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स में एरोसोल थेरेपी है वो मेनली हॉर्सेज में यूज़ की जाती है एंड इसके लिए नेबुलाइजर्स, मीटर डोज इन्हेलर्स एंड ड्राई पाउडर इन्हेलर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन। टू और मोर एक्टिव ड्रग्स को फिक्स्ड डोज रेशियो में कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है जो कि सिंगल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में ऑल रिक्वायर्ड ड्रग्स को सिंगल टाइम में दिया जा सकता है, इसलिए एनिमल्स में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मोर कन्वीनियंट मेथड है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन है वो ड्रग्स की थेरेप्यूटिक एफिकेसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में ड्रग्स है वो सिनर्जिस्टिक एंड पोटेंशिएशन इफेक्ट शो करती है। जैसे सल्फामिथोक्सोल एंड ट्राइमिथोफ्रीम है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है एंड लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा है वो कॉम्बिनेशन में पोटेंशिएशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के केसेस में ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के डेवलपमेंट के चांसेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन है वो ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट्स के चांसेस को भी डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं क्योंकि एक ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो दूसरी ड्रग से काउंटर एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। जहाँ पर एक ही ड्रग के एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन है वो यूज़फुल नहीं होती। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में एक ड्रग की डोज को दूसरी ड्रग को बिना इफ़ेक्ट किए अल्टर नहीं किया जा सकता। एक ड्रग के लिए यदि हाइपर सेंसिटिविटी है एंड वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उसके लिए होल प्रिपरेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती है। कुछ ड्रग्स हैं जिनको फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है तो वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देती है, जैसे एंटी टीबी ड्रग्स स्ट्रेप्टोमाइसिन केनामाइसिन को जब कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब है क्लिनिकली यदि मल्टीपल ड्रग्स रिक्वायर्ड ना है तो भी सिंगल टाइम में मल्टीपल ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसे हम पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। पॉलीफार्मेसी है इसका जो मोस्ट कॉमन लिमिटेशन है वो है कि पॉलीफार्मेसी है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को इंक्रीज कर देती है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को इंक्रीज कर देती है, हाई कॉस्ट एंड पुअर कंप्लियंस विथ ड्रग थेरेपी कॉज करती है। नेक्स्ट है ऑफ लेबल यूज़। ऑफ लेबल यूज़ है वो प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स की प्रैक्टिस है जिसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है जिस कंडीशन के लिए ड्रग है वो अप्रूव्ड नहीं है फिर भी उस कंडीशन के लिए ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसे हम ऑफ लेबल यूज़ बोलते हैं। Thank you.